हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले अध्याय 15, हमारा पर्यावरण। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला मतलब कौन किसको खाता है? तो देखिए, आपके यहाँ पर घास है, घास को कौन खाती है? बकरी। और बकरी को कौन खाता है? मानव। नेक्स्ट है, कौन सा समूह में जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो क्या होता है, घास, घास के उस लकड़ी, लकड़ी के बाद आपका प्लास्टिक, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अपघटक का उदाहरण क्या है? तो जो आपका कवक होता है, एक प्रकार का अपघटक है। नेक्स्ट है, अमृता देवी विसारी को पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो जीव संरक्षण के क्षेत्र के उत्कृष्ट सेवा के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत आपका वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। और ओजोन जो परत होता है, लेयर होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, और यह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है, अल्ट्रावायलेट रे को आने से रोकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो आपका DDT क्या है? अनवीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, सही आहार श्रृंखला क्या है, मतलब कौन किसको खाता है? तो देखिए, घास, और घास को कौन खाता है? हिरण। और हिरण को कौन खाता है? शेर। यानी कि आंसर नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट है कि एक जलीय जीवन का आहार श्रृंखला क्या हो? और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है, जलीय जीवन में आहार श्रृंखला क्या है? तो देखिए, यहाँ पर शैवाल, और शैवाल को कौन खाते हैं? जलीय कीट। और जलीय कीट को कौन खाता है? मछली। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो जो आपका कुओं होता है, वो क्या होता है? भूमिगत जल का आपका उदाहरण है। नेक्स्ट है, भूमिगत जीवा मतलब कुओं या कुआं। नेक्स्ट है, एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? अपघटित आपका पदार्थ होने वाला कौन सा है? तो आपका सूखे घास पत्ते। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन अणु में कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो ओजोन का फॉर्मूला जो होता है, O3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 3 हैं। आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? तो वो आपके उत्पादक कहलाते हैं, और उत्पादक जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, उत्पादक कौन सा है? तो मैंने बताया पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में क्या आता है? घास। नेक्स्ट है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? तो हरा पौधा, मेंढक, ग्रासहॉपर, सर्प, ये तीनों में से आपके कौन से होते हैं? तो जो आपका सर्प है, ये तृतीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट का निष्पादन किस विधियों के द्वारा किया जाता है? तो आपका है क्या, कंपोस्ट बना, भूमि भराई, उसमें विधि, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत में अवक्षय करने वाले, ओजोन परत को अवक्षय करने वाले मतलब खराब करने वाले जीवनदार गैस कौन सी होती है? तो होता है आपका CFC, और CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्षति का मुख्य कारण क्या होता है? तो अभी आपको बताया CFC गैस, यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन।
नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं आपके शाकाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा होता है, तो जो आपका सर्प है वो तृतीय उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट है वन परिस्थिति तंत्र में हिरण क्या होते हैं, तो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। हिरण क्या होते हैं जी, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि वो सब पेड़ पौधे खाते हैं और शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है कूड़े कचरे को एक जगह से जगह एकत्रित करने और वैज्ञानिक तरीके से निपटाया जाएगा तो वो क्या कहलाता है, तो उसे कचरा प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य और तिलचट्टा में किस श्रेणी का जंतु है, तो मनुष्य और जो तिलचट्टा होता है वो सर्वाहारी जंतु होता है। नेक्स्ट है कौन एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, तो आपका जल जीवशाला क्या है, आपका कृत्रिम तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसी परिस्थिति तंत्र के जय घटक होते हैं, जय घटक कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके गेहूं, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो द्वितीय पोषी स्तर में आपका होता है। नेक्स्ट है कौन सा फलों का निकरणीय पदार्थ आपका है, तो फलों के छिलके, गोबर और आपके पेपर क्या है, आपके निम्नकरणीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट है प्रथम पोषी के स्तर कौन संबंधित हैं, तो आपके स्वयं पोषी या उत्पादक संबंधित है। नेक्स्ट है हरे पौधे अपने भोजन सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं, तो 1% आपके उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है भोजन का कितना परसेंट उपभोक्ता अगले स्तर तक आपका पहुँचाता है, तो 10% तक आपका पहुँचाता है। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम क्या होता है, तो आपका है बगीचा होता है, क्या होता है, बगीचा। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल किस पोषी के स्तर से संबंधित है, तो नील हरित शैवाल आपका उत्पादक से संबंधित है। नेक्स्ट है एक सर्वाहारी जीव होता है, बाघ, कुत्ता, गाय, उपयुक्त सभी, तो जो आपका कुत्ता होता है वो आपका सर्वाहारी जीव होता है। नेक्स्ट है एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे पत्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा लगभग कितना प्रतिशत खाद ऊर्जा में रूपांतरित करता है, हमने अभी भी जाना 10% होता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट आपका प्रोग्राम में का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो आपका है ई का मतलब यूनाइटेड का मतलब आपका यू हो गया, एन का मतलब नेशन, यहाँ पे नेशन हो गया ऑफ यानी कि ई इन्वायरमेंट, देखिए ई है यहाँ पर क्या हो गया इन्वायरमेंट, फिर आपका है क्या प्रोग्राम, प्रोग्राम यहाँ पे क्या है पी, यानी क्या होगा ई एन ई पी का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है बगीचा तथा खेत किस प्रकार के परितंत्र हैं, तो मानव निर्मित है, बगीचा और खेत किस प्रकार के परितंत्र है, मानव द्वारा से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्थलीय परितंत्र में सूर्य ऊर्जा को कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो 91% आपका अवशोषित किया जाता है, आंसर नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट है वातावरण में ओजोन परत की मात्रा ग्रेविट होने का मुख्य कारक क्या होता है, तो आपके CFC गैस होते हैं और CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच सर्वानुमिति के CFC उत्पादन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए, यह सर्वानुमिति किस वर्ष बनाया गया था, तो आपका 1987 में बनाया गया था, 1987 बनाया गया था। नेक्स्ट है कौन सी सर्वाहारी है, इसमें से जो ऑप्शन है आपके इसमें कौन से सर्वाहारी हैं,
तो जो आपके कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं जी, सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट है सही आहार श्रृंखला है, तो है क्या सही आहार श्रृंखला आपका इसमें से कौन है? तो क्या होगा, बकरी, घास और आपका हिरण। तो ये आपका क्या जाएगा, घास को कौन खाती है, हिरण, और हिरण कौन खाता है, शेर। यानी क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? तो जंगली जानवर को क्या किया जाए, उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ होता है? तो सूखे घास पत्ते होते हैं, कहाँ होते हैं, सूखे घास पत्ते होते हैं। नेक्स्ट है हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी परत में आपको ओजोन परत पाया जाता है, और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, और इसमें तीन ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है केवल जय निम्नकरणीय पदार्थ आपके होते हैं, तो फल के छिलके और नींबू के रस। नेक्स्ट है नींद में कौन सा पर्यावरण का मित्र के व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने को लाइट को बंद कर देना, फिर माँ द्वारा स्कूटर के विद्यालय छोड़ने बजाय तुम्हारे विद्यालय पैदल जाना, उपयुक्त क्या होगा आपका, सभी है। नेक्स्ट है ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, क्योंकि ओजोन परमाणु फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा नहीं है? तो वायु जो है आपका पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट है उत्पादक कौन सा है? तो आपके पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो आपका होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और यह वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें उपभोक्ता कौन सा है, हिरण, आम, घास, कवक। तो आपका जो हिरण है वो आपका क्या उपभोक्ता है। नेक्स्ट है कौन सा भूमिगत जल का आपका उदाहरण है? तो कुआं जो है आपका भूमिगत जल का उदाहरण है। नेक्स्ट है इनमें से मृदा खोर कौन सा है, ना मृदा को कौन से होते हैं? तो चील, सियार, कौवा, आपका सभी, यानी क्या होगा, सभी। नेक्स्ट सही आहार श्रृंखला क्या है? तो आपका हो जाएगा घास, और घास कौन खाता है, हिरण, हिरण कौन खाता है, शेर, यानी कि डी नंबर आंसर। नेक्स्ट है जलीय जीव का आहार श्रृंखला कौन सा है? तो शैवाल, और शैवाल को जलीय कीट खाते हैं, और जलीय कीट को मछली, आंसर नंबर बी। तो दोस्तों इसी साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।